हम जब विधायक रहने हाय सुन विधायक रहना हमें या हैंड ऑन में सब के कर दी दास पर ना टिकल लग पावा हमारे भाई हमारे गए के बाद एक को रुपये कोनो काम भाया यही से हम कहें कि ये 15 रोज अच्छा से एकदम कुछ न हो अल्लाह का हो जात का कम नहीं रोवत काहे का अल्लाह का कोनो फायदा नहीं आचार संहिता है दादा पर क्या करना चुनाव चुनाव रोक लगी रात सोनी वहां पर के पेंसिल बंद हो गए अब विधायक उतरवा ले अब हम दो तीन जगह लगवा दे उतरवा ले सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है वही हमको दिखाई दे रहा है मेरा सवाल ये है कि जैसे आप पहले नंबर पर है दूसरे नंबर की लड़ाई पर फिर कौन जो जो जिसका नाम दूसरे नंबर पे होगा वो और जिसका तीसरे में होगा वो तीसरे में रहेगा कांग्रेस को स्थिति को लेकर किस बार क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी अरे साहब लहर है आप देख नहीं रहे हो हर आदमी बराए हुआ है एकदम सनक सवार है लोग जैसे अभी कहा आपने कि पत्रकारों पर हमला हुआ हाँ इस पे क्या कहना चाहेंगे परसों नहीं हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई पहली बार हुआ इसमें मेरा ये कहना है कि आप अन्यथा मत लीजिएगा आप नाराज मत होइए एक मिनट रह जा आप लोगों में एक बहुत गलत परिपाटी है किसी एक पत्रकार पर हमला होता है सब चुप रहते हैं पूरा मीडिया एक दूसरे पे नहीं बोलता ये पहले एक पे होगा फिर दूसरे पे होगा कल आप पे भी होगा ये बहुत दुखद बात है और ये कल्चर जो रिवर्म शुरू हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था हमारे सिमरिया में 3 बार हो गया इसीलिए आपसे पूछा गया है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसे नेता को जो सामने खड़ा होकर मरवाए और चुनाव लड़े ऐसे और पत्रकारों पे हमला हो और आप आपकी गलती सिर्फ इतनी है जैसे आप हमसे पूछने चले आए या खड़े हैं वो तो पूछा भी नहीं था केवल कैमरा लगवाया था तो इसमें आप लोगों को एकदम क्रांति लाना चाहिए कांग्रेस की सरकार आने पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून बनाए जाएंगे ये तो कमलनाथ जी का घोषणा पत्र है साहब उसमें सब चीज़ें लिखा है पढ़ लीजिए मैं यहाँ जनता के बीच में देसी चुनाव लड़ता हूँ देसी आदमी हूँ